भारत और पाकिस्तान, दुनिया के ये दो देश अपनी अपनी खासियतों के लिए जाने जाते हैं। एक तरफ जहां भारत वैश्विक स्तर पर अपनी धाक जमा रहा है, तो वहीं पाकिस्तान की खस्ता हालत किसी से भी छिपी नहीं है। ये बात अब खुद पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने साफ साफ लफ्जों में कही है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है, जहां वो भारत और पाकिस्तान की तुलना कर रहे हैं। शरीफ ने भारत की अपार सफलता के बारे में बात करते हुए ये भी जिक्र किया कि आज की तारीख में पाकिस्तान कहां पहुंच गया है। अपने ही मुल्क से निर्वासित नवाज ने देश की गंभीर स्थिति के बारे में बात करते हुए पाकिस्तानी आवाम और हुक्मरान को आईना दिखाया है। नवाज शरीफ ने भारत पाकिस्तान की तुलना करते हुए कहा कि भारत चांद पर पहुंच गया है और पाकिस्तान अब भी दूसरे देशों से भीख मांग रहा है। पाकिस्तान की पोल खोलते हुए नवाज शरीफ ने कहा, आज पाकिस्तान को देखो, भारत चांद पर पहुंच गया है, वहां G20 की बैठकें हो रही हैं। यही तो हमें करना चाहिए था, ये तो हमारे भाग्य में होना चाहिए था। जब श्री वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो भारत के पास $1 अरब भी नहीं थे, अब उनके पास $600 अरब से भी ज्यादा है। हम अभी भी अलग अलग देशों से पैसे मांग रहे हैं। हम क्या सम्मान रखते हैं? हम चीन से उधार लेते हैं, हम अरब देशों से उधार लेते हैं। बता दें कि नवाज शरीफ को साल 2018 में अल अजीजिया मिल्स और एवन फील्ड भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराया गया था। इन मामलों में उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद नवाज शरीफ की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मेडिकल आधार पर विदेश जाने की अनुमति दी गई थी, जिसके बाद से वो लंदन में रह रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में जहां एक तरफ भारत ने मेगा G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की सफलता पूर्वक मेजबानी की है, तो वहीं पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति मानो वेंटिलेटर पर है। भारत चांद पर पहुंच गया है और पाकिस्तान मुद्रा स्फीति के अगले स्तर पर पहुंच गया है और IMF से बेलआउट की भीख मांग रहा है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और पाकिस्तान बेलआउट पैकेज पर जिंदा है। बहरहाल पूर्व पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ काफी वक्त से चर्चा में नहीं थे, क्योंकि वो सक्रिय राजनीति से ही गायब थे। लेकिन दाने दाने को मोहताज अपने मुल्क पाकिस्तान की खस्ता हालत पर अपने इस बयान को लेकर अब नवाज शरीफ एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। अब देखना ये होगा कि उनके इस बयान के बाद पाकिस्तान से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।